आई डोंट नो आई एम डूइंग दिस राइट और नॉट, मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं, लेकिन एंड वी हैव रिसीव्ड द पार्सल। आई आशु के लिए मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया था, वो अभी आ चुका है, गए 4000 पानी में। मुझे पता है इतना बड़ा गिफ्ट मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं दिया था। क्या लगता है क्या होगा इसमें? दो हफ्ते से ये गिफ्ट मेरे घर पे पड़ा हुआ है। इसके पैसे लगेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे अगर इसकी जगह और कुछ होता तो और मजा आता। हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे 6:45 शाम के और इस चमचमाती धूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस व्लॉग में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका का एक शील्ड, जो कि एक गिफ्ट होने वाला है आशुतोष के लिए। उसका बर्थडे था 10th मार्च पे, लेकिन मैं उस वक्त उसे गिफ्ट नहीं दे पाया, आई वॉज बिजी इन अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन मैं अभी उसको गिफ्ट देने वाला हूँ, तो अमेजोन पे एक काफी अच्छी शील्ड थी जो कि मेरे ख्याल से 4,500 या तो फिर 4,000 के अराउंड जा रही है, वो मैं उसे गिफ्ट करने वाला हूँ। मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, बेफिजूल चीजों पे खर्चा करने से अच्छा मैं तुझे कैश दे देता हूं, तुझे उसका जो करना है वो करो। लेकिन I thought of this thing, यार I am sounding so much like an uncle, जो कि कहते हैं ना बेटा देखो ये पैसे तुम रख लेना और मम्मी को मत बताना, तुम्हें जो लेना इसका वो ले लेना। मैं कुछ ऐसे साउंड कर रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है, गए 4000 पानी में। ये है शील्ड का ऑर्डर एंड बूम। I don't know I'm doing this right or not, मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं, लेकिन ठीक है अभी कर दिया है। वैसे हाँ, इसका एक यूज हो सकता है कि आप चाइनीज की एक गाड़ी डाल सकते हो जिसमें इसका पीछे का बेल्ट निकाल दो और इसको ऐसे कढ़ाई की तरह यूज करो, उसमें चावल और डालो, नूडल वूडल डालो और उसका एक ठेला लगा दो, जिससे आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि रितु तुम जानती हो, आशुतोष का बर्थडे था 10th of March को। मैंने उसको कहा था कि भाई मैं तेरे हाथ में कैश दे देता हूँ, तेरे को जो खरीदना है इस चीज का खरीद ले। लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया 2-3 बार इनडायरेक्टली कि भाई मुझे लेनी है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। तो मैंने उसके लिए एक शील्ड मंगवा दी है, मुझे पता है नहीं। तो मैंने डिसीजन ले लिया। परसों उसका कॉल आया था, उसने कॉल में भी यही बोला मुझे कि और अरे अभी मैसेज है, मैंने पेंडिंग रखा, मैंने पढ़ा भी नहीं है। और तू कितना पागल है, उसको बता भी दिया तूने? नहीं मैंने, नहीं। तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है, तो आपका क्या कहना है उसमें? उसकी शील्ड उसको देना, मुझे ऐसा लगा कुछ तो अच्छा वैल्यूएबल गिफ्ट दे देता। एग्जैक्टली यही मैंने बोला था उसका, एग्जैक्टली यही बोला था कि भाई तेरे नाम कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, वो क्या करेगा, शोकेस में रखेगा? अरे नहीं शोकेस में रखेगा, उसकी कढ़ाई बना के उसमें चाइनीज बना सकते हैं हम लोग। जो कि तुझे बहुत चाइल्डिश लगेगा, बट मेरा सच में एक सपना है कि मुझे डोरेमोन का एनीवेयर डोर मिल जाए। और मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ, एक मेरे को बोल रहा है एवेंजर्स की शील्ड लाके दे और एक मेरे को बोल रहा है कि डोरेमोन का डोर लाके दे। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखो मैं अपनी बीवी के बारे में इतना सोचता हूँ, मुझे एक पैकेज आया था लेकिन इसको गिफ्ट खोलने में इतनी इसको खुशी मिलती है, तो मैंने इसके लिए संभाल के रखा है कि भाई ये पैकेज तू फोड़ दे, ऐसा पति मिलेगा तेरे को कभी लाइफ में? लगेगा तूने बच्ची से शादी की है। एंड हमारा माइक रिपेयर होके आ चुका है, ये एंड वी हैव रिसीव्ड द पार्सल। आई आशु के लिए मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया था, वो अभी आ चुका है। क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? गेस करो क्या हो सकता है, कितना भारी? बहुत भारी ना। इतना बड़ा गिफ्ट मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं दिया था। मी है जरा अनबॉक्स करते है, तू कहीं काम करती है का? माला फक्त अनबॉक्स करा जाए, जरा ओपन करा, कैमरा धर ना थोड़ा। इसके पैसे लगेंगे। देखो इतनी अमीर मम्मी है मेरी, मेरे पास है 12 प्रो मैक्स, इसके बाद है 14 प्रो मैक्स, दैट 256 GB। इतना अमीर बनना है गाइस, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, इतने पैसे कमाने। सो प्लीज वेलकम द न्यू DOP इन आवर हाउस, जो की है मेरी मम्मी। शी हैज गॉट दिस एक्सेंट जब वो शूट करती है तो, और ये है और ये हम लोग ऐसे करते थे, ये उसका एक्सेंट होता है उसमें। क्या लगता है क्या होगा इसमें? घड़ी। ओ वाओ, यस। तो स्क्रैचेस वगैरह कुछ है नहीं, ये कैप्टन अमेरिका का शील्ड है जो वो हाथ में पकड़ता है फाइट करते वक्त। ये वो कैप्टन अमेरिका जो कैरेक्टर है, हाँ, वो फाइट में पहनता है इसको और वो ऐसे फेंकता है इसको, तो ये बहुत भारी है। और इसका एक इस्तेमाल ऐसा भी है, इसको बारिश में भी यूज कर सकते हैं। इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे हम और इस पे ऐसे राइस वाइस डालेंगे तो इसका ऐसे शेजवान राइस भी बना सकते हैं। हमारे लिए भी एक मंगा लेना, मैं जब मारती हूँ ना तेरे को पकड़ने के लिए हो जाएगा। क्या राय है आपकी ये प्रोडक्ट देख के, कितने का होगा ये प्रोडक्ट? 3,000-4,000। 3,500 खरीदी में आशुसाठी केलेली आयुष्यात आमच्या 6 वर्षाच्या मैत्रीमध्ये।
ऐसी दोस्ती बने रहे। सो थैंक्स अ लॉट आई वीडियो शूट के लिए बदल। दो हफ्ते से ये गिफ्ट मेरे घर पे पड़ा हुआ है और आज फाइनली वो मुहूर्त आ गया है जब मैं ये गिफ्ट देने वाला हूँ आशुतोष को। तो चिल चिलाती धूप में हम लोग निकल पड़े यहाँ से, अभी तैयार होके निकलने आड़ हो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी हम आज सुबह तैयार होके पहली बार बाहर निकले और मेरे को इतना मूड था गाड़ी चलाने का, और ये साले ने फोन पे बात करते करते मेरे हाथ से चा भी ले लिया, ऐसा गेम कर दिया साले ने। हम जा रहे हैं ये गिफ्ट रैप कराने के लिए। वैसे तो ये फटने वाला है लेकिन फिर भी, वैसे तो आशु ये वाली चीजें देख के भी खुश हो जाता, ये वाली गाड़ियां देख के। फिर तो चलना इस गाड़ी तो थ्रू आउट। अरे श्योर आ गया सरळ गेम आगे गेम आगे ते माणूस चलो त्याच्यात घे ना मागे मागचा माणूस गेम आगे तो बिंदास तो थांबल की मेरे को तशा धक धक हो रहा है रे। महाशय हमें मिले हैं इस अवस्था में, दोपहर की सौंधी सौंधी धूप, फैन चल रहा है और एक दूसरा डायरेक्शन है उसको बताने के लिए ना कि भाई देखो भाई मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ अपनी, सिर्फ आवाज आना चाहिए बहुत हो गया बस। इसकी आवाज की वजह से नींद आ रही है, बाकी हवा हमें चाहिए है नहीं। मजा आ गया। वैसे अगर इसकी जगह और कुछ होता तो और मजा आता। कैसी लगी आशु? जबरदस्त है ना। आपरे हिकाय गाड़ी चलाएगा, गाड़ी के लिए इसको नीचे बुलाया, क्या देसी चीजें कर रहा है। अभी इसको है ना डिक्की विच पेंदी पोपा दे। अरे चार विटाचं म्हणणं, चार विटे बसतील मागे। अरे काय झोपेन मी याच्यात अख्खा, झोपायला चालला की काय आता। अरे हे बघ, अरे हो आरामात तेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, उसका तेरे को कुछ नहीं है। ये लगा डाल इसको। काय अगर ते तेरे लिए तुझ्यासाठी आहे बावळा। खरंच बोलतोय हो, त्याच्यावर लिहायचं विसरलो मी, पण खरं तुझ्यासाठी ते गिफ्ट, तुझ्या बर्थडेचं आहे असंच आहे। 10 मार्च को इसका बर्थडे था तो मैं गिफ्ट आज दे रहा हूँ। आज है 10 मार्च को नहीं था बर्थडे, 11 मई 10 मार्च है ना। नहीं तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम लोग मिलके पहले डिसाइड कर लो। आर यू किडिंग मी, आर यू ओ फक। ते बॅकग्राऊंड म्युझिक दे पाशा डंग डंग डंग। हे कुठलं हे थोडी या फील 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 आहे फील आहे फील आहे भाई। काय सांगू तुला, अभी मैं मेरे को चाहिए आयरन मैन का सूट, अभी देख ले। चार ब्रांड्स करने पडेंगे तेरे को। तरडंग 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 तरडंग। Yes, with great powers comes great responsibilities. ये उसका उदाहरण है। ये दो हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले घर पे आई है, तीन हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले, उसके बाद तो घर भी आके गए। अरे चेहरा तो देखो कैसे हो गए। तुला माहिती मैं आशु, मी आयुष्यात गिफ्ट नाही दिले जास्ती कोणाला, मी रितुल दिलं आई वडिलांना आणि तुला। हेलो गाइज, अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देख लिया है तो मैं एंड पोर्शन बताना चाहूँगा। मैंने कैमरा दिया था अभिषेक के हाथ में कि भाई आगे का जो भी मैं आशुतोष के साथ बात करूँगा थोड़ा सा इमोशनल होने वाले, इसको रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन भाई ने रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं। बताओ ठीक है। एनीवेज मैं आपको बताना चाहूँगा, आशुतोष को मैंने गिफ्ट दिया, ही गॉट अ बिट ऑफ इमोशनल, हालांकि रोया नहीं वो, लेकिन उसके आंखों में दिख रहा था कि भाई ही लाइक द गिफ्ट। तो इसके पीछे का इमोशनल रीज़न ये है कि आशुतोष एंड मी वी आर ग्रेट मार्वल फैंस, उसके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद आते हैं, एंड आशुतोष का फेवरेट कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका बिकॉज ऑफ द प्योरिटी दैट ही हैज़ इन हिज वर्क।
एंड आशुतोष का भी मैंने काम देखा है, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क एंड वो हमेशा काम करते वक्त एक चीज़ बोलता है कि आई कैन डू दिस ऑल डे, दैट्स हाउ डेडिकेटेड ही इज. आई फाइंड हिम एंड कैप्टन अमेरिका क्वाइट सिमिलर, क्योंकि मेरी लाइफ में ही इज प्लेइंग कैरेक्टर लाइक कैप्टन अमेरिका, ऐसे मैं मानता हूँ कि वो जो भी डिसीजन लेता है काम करते वक्त बहुत परफेक्ट होता है एंड देयर इज नो अदर चांस दैट आई कुड डिनाई हिज डिसीजन ऑन सेट वाइल वर्किंग विथ हिम. सो दैट्स वाई आई फाइंड हिम वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर. सो या ये मेरा रीज़न था और मैंने उसको बोला था कि भाई मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा ना जिससे तू काफ़ी खुश हो जाएगा, एंड दैट हैपेंड. वो बहुत खुश हो गया एंड इमोशनल भी हो गया उसके साथ. सो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपके दोस्त को कुछ गिफ्ट करना है ना, या फिर आपके जितने भी सर्कल में जितने भी नज़दीक लोग हैं उनको गिफ्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा ग्रैंड जेस्चर करके आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं. ऑल यू हैव टू डू इज़ डू स्मॉल थिंग्स फॉर द पीपल एंड उससे ऐसा नहीं होगा कि यार बहुत आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा, लेकिन जो बंदा जिसके लिए आप ये चीज़ कर रहे हो ना वो बहुत खुश हो जाएगा. दैट्स वॉट आई बिलीव. बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में लोग खुश हो जाते हैं. दैट्स वॉट आई डिड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने अपने जीवन काल में कभी अपने दोस्तों को कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं किया, फिर उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है. हाँ, रितिका के लिए किया है, लेकिन दोस्तों के लिए कभी कुछ किया नहीं था. सो या मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस इंसिडेंट्स विद यू गाइज कि करके देखो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एंड या दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से फ्रॉम दिस व्लॉग. होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. मेक श्योर यू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू सेंट इन बैगी. चीयर्स.